है गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप लोग, आई होप अच्छे होंगे। तो गाइज अभी हम आए हुए हैं खेत में, गन्ने के खेत में। गाइज आए हैं गन्ने के खेत में, यहाँ पे गन्ने का वो कटाई चल रहा है और हम यहाँ पे आए हुए हैं चारा लेने के लिए, भैंसे के चारे के लिए। तो ऊपर का जो हरा हरा गेंढ होता है ना, जो हरा वाला पार्ट होता है वो खाते हैं सब, तो वही चारा के लिए आए हैं। तो अभी लेके जाएंगे यहाँ से। देखिए मादर चोद बेटा खा रहा है गन्ना, सारा काम नहीं कर रहा, ऊँख नहीं छिल रहा, गन्ना नहीं छिल रहा है, गन्ना खा रहा है। तो गाइस भैंसे का चारा लेके अभी पहुंच चुके हैं घर पे, और ये रहा पीछे रखा हुआ है वहाँ पे। और अभी चलते हैं, मिस्त्री साहब आ चुके हैं घर पे, तो अभी चलते हैं दिखाते हैं आपको। तो गाइज़ ये हमारा किचन स्लेब तैयार हो रहा है, उसका सांचा बन रहा है ये किचन स्लेब बनाने का। और ये रहा खिड़की, हमने लगवाया है तोड़ करके, दीवार तोड़ करके, और फिर यहाँ पे खिड़की लगा हुआ है 2x1.5 में है, 24 इंची और 18 इंची में। और यहाँ पे ये जंगला जो आपको बता रहे थे निकलेगा, तो ये जंगला निकाल करके उसको, और ये दूसरा वाला जंगला लगाए हैं, वो जंगला साइड कर दिए, ये दूसरा वाला जंगला थोड़ा बड़ा वाला जंगला लगाए हैं। और यहाँ पर हमारे मिस्त्री साहब काम कर रहे हैं। तो गाइस ये देखिए नीचे कुछ लगा हुआ है, जुगाड़ लगा के, पूरा ईंट का जुगाड़ लगा के, और ये हो रहा है स्लेब का सांचा तैयार। और ये रहा सिंक का जगह छोड़ने के लिए, सिंक का इतने दूर पे सिंक लगेगा, तो सिंक के लिए ये इतने ईंट लगा दिया गया, जैसे कि खाली रहेगा तो इसमें सिंक बैठा दिया जाएगा। और सिंक से ये इतना डिफरेंस है, करीब 8 इंच की तरफ, यहाँ तो हाथ में चोट न लगे बर्तन वर्तन धोने टाइप। फाइनली आज का काम कंप्लीट हो गया, और आज का काम बस ये हुआ कि ये स्लेब डला है, और स्लेब का मतलब स्लेब डालने के लिए ये सांचा जैसे तैयार किया गया है, और अभी ये जंगला लगा है, बस यही दो काम आज का हुआ है। और ये छोटा सा जो रोशनदान खिड़की छोटी सी है ये बना है, बस यही हुआ है। तो गाइज आज का वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे इस ब्लॉग को देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। तो गाइस मिलते हैं ऐसा किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।